नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और भयंकर खबर तथा दोस्तों किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। दोस्तों आपको बता दें, अभी अभी राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में भयंकर बरसात दर्ज हुई है तथा दोस्तों आपको बता दें, जहां पर रेत उड़ती थी वहां पर भी दोस्तों नदी नाले भर गए हैं और दोस्तों जैसलमेर बाड़मेर में झमाझम बरसात दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों मौसम केंद्र के द्वारा 13 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों आपको राजस्थान में प्री मानसून के दौरान नदियां बहने लग गई हैं। पाली, सिरोही, उदयपुर, जालोर के कई इलाकों में दोस्तों फिलहाल बारिश के बाद कई नदियों में फिर से पानी बहने लगा है। लोगों के लिए मानसून से पहले 15 जून से दोस्तों पहले नदियों को बहते देखना बहुत ही दुर्लभ है। जैसलमेर बाड़मेर के रेगिस्तानी जिलों में भी भारी बारिश हुई है। बारिश ने गर्मी और सूखे से जूझ रहे लोगों को दोस्तों राहत दी है। सिरोही के पिंडवाड़ा तालुका में बारिश के कारण जादोली नदी में पानी बहने लगा है। वहीं दोस्तों नदी में पानी आते देख लोगों ने वाहनों की आवाजाही रोक दी है। पाली में काकराडी और कोयलवाल जो नदियां हैं दोस्तों, इनमें पानी बह गया है। इन नदियों में आने वाली पानी ने मचान की उम्मीद जगा दी है, जिससे जवाई बांध में पानी का प्रवाह दोस्तों शुरू हो सकता है। बाड़मेर में भी इस वक्त दोस्तों भारी बारिश से भी पानी जो है दोस्तों वो सड़कों पर बह निकला है और यहां पर दोस्तों को बता दें कि नदी की तरह जो पानी है वो बह रहा है। दोपहिया में पैदल राहगीरों को सड़क पर चलने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं दोस्तों जैसलमेर में भी हवा के साथ हल्की ओलावृष्टि दर्ज की गई है। मानसून की दोस्तों रफ्तार बढ़ गई है। अब महाराष्ट्र के बाद गुजरात में दोस्तों मानसून का प्रवेश हो गया। इसी के साथ में आपको बता दें, मौसम विभाग के द्वारा अभी अभी दोस्तों सिरोही, पाली, जालोर, बूंदी तथा झालावाड़, बारा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा तथा अजमेर, टोंक और भीलवेड़ा दोस्तों इन क्षेत्रों में अभी बारिश हो सकती है। मौसम से संबंधित सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।